अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप अपने एसटीसी पे की एप्लीकेशन से इंटरनेशनल कैश पिकअप पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है। आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका जो एसटीसी पे का एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेना है। तो हमारा एसटीसी पे एप्लीकेशन यहाँ पे सामने है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। एसटीसी पे एप्लीकेशन में जैसा आप क्लिक करेंगे तो इसका लोगो आपको यहाँ पर दिखेगा, एसटीसी पे लिखा हुआ। इसके बाद फिर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना एसटीसी पे एप्लीकेशन का जो पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है और एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। तो यहाँ पर मैं अपना जो पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर देता हूँ इस तरीके से, और पासवर्ड डालते ही थोड़ा सर्च लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एसटीसी पे एप्लीकेशन है इस तरीके से आ चुका है। अगर इस तरीके से आपके सामने आता तो आपको यहाँ पे ऊपर से स्किप कर देना है, तो यहाँ पे ये यह आ जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके से हमारा एसटीसी पे एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। हमारे पास में अभी 20,000 बैलेंस है, तो हमको पहले इसमें अपना पैसा ऐड करना है। पैसा ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड मनी के ऊपर। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट और क्रेडिट कार्ड। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर लिखा हुआ देगा इंटर अमाउंट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना जितना पैसा ऐड करना है यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे मुझे करना है 1500 रियाल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो कार्ड है वो ऑलरेडी सेव है पहले से ही, तो हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे। अगर आप कार्ड इसमें अपना ऐड नहीं किए होंगे तो आपको यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अपना ATM कार्ड आपको ऐड करना होगा, बाकी डिटेल फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद फिर यहाँ पर आपको दिखेगा आपका अमाउंट, जितना पैसा ऐड कर रहे हैं, जिस नाम से कार्ड सेव किए हैं वो, आपका कार्ड का नंबर, और यहाँ पे एसटीसी पे अकाउंट है, कितना पैसा अगर कोई चार्ज करेगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो हमारा कोई भी चार्ज नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे मैं सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आ चुका है CVV। तो आपके ATM कार्ड के पीछे साइड में 3 नंबर का एक कोड होता है, आपको वही कोड यहाँ पे आपको डाल देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं कोड डाल दूंगा, और कोड डालने के बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सर्च लेगा इस तरीके से, और सर्च लेने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3D, यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है अलराजी का यहाँ पे लोगो, मादा कार्ड है, और यहाँ पे वीज़ा कार्ड भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास में अलराजी का जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP कोड आएगा 6 नंबर का, तो यहाँ पे हमें डालना है वेरिफिकेशन कोड के अंदर। यहाँ पे कोड आ चुका, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे इस कोड को यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सबमिट, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जब यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सर्च हो रहा है इस तरीके से, और कुछ ही देर में हमारा जो पैसा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये देख सकते हैं 1500 रियाल यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करता हूँ, और सबसे पहले आपको अपना बैलेंस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपके सामने पुराना वाला बैलेंस आपको दिखेगा, तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे उंगली यहाँ पे रखना है और नीचे खींचना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सर्च हो रहा है, ये देख सकते हैं हमारा बैलेंस यहाँ पे 1520 हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपना बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर इंटरनेशनल पे क्लिक कर देना है, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के ऊपर। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में लिखा हुआ देखेगा ऐड न्यू, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखेगा फुल नेम। तो यहाँ पे आप जिसका भी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनका फुल नेम जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आप उनका ID कार्ड जो होगा उनके ID कार्ड पर देख के आपको यहाँ पर नाम उनका लिखना है, एकदम सेम टू सेम वैसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जिनका मैं लिख रहा हूँ उनका ID कार्ड यहाँ पर मेरे दूसरे वाले मोबाइल में है, इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर इनका नाम जो है यहाँ पर इस तरीके से दे करके मैं सेम टू सेम यहाँ पर मैं लिख दूँगा इस तरीके से। आपको भी इसी तरीके से लिखना है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से पूरा लिख देता हूँ। ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे नाम पूरा इस तरीके से लिख दिया हूँ। आप चाहे तो एक बार मैच कर ले यहाँ पे, ताकि आपके नाम में कुछ भी गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ पे मैं नाम ऐसा मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, मेरा नाम एकदम सही है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रिलेशनशिप, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कई सारा ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर आपका जो भी फ्रेंड है फैमिली है जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक करके उसको चूज लेना। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा रिलेटिव फ्रेंड के ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर नीचे देखिएगा कंट्री, आपको यहाँ पे कंट्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपने कंट्री का नाम आपको डाल देना है, जिसकी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उसकी कंट्री आपको डालना होगा। तो ये भाई इंडिया का, तो यहाँ पे मैं इंडिया इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आ चुका इंडिया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आ चुका डिलीवरी ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे नीचे वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आपको सॉरी यहाँ से मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे डिलीवरी ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पर देख सकते आ चुका है लिखा हुआ वेस्टर्न यूनियन कैश पिकअप, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन रुपीस ऑटोमेटिक से लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें फिल हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेके आ चुका है डू यू नो रिसीवर नेशनलिटी, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। इनका नेशनलिटी आपको यहाँ पर फिर से डाल देना, तो यहाँ पर मैं इंडियन डाल देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से।
ये आ चुका है इंडिया, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सीधा, आप चाहे तो यहाँ पे अपने इनका एज भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं डालना कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, और जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे थोड़ा यहाँ पे फिर से सर्चिंग होगा इस तरीके से, और यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू लिख के आ चुका है। Dear valid customer, this is an automated call from STC Pay to confirm your international transfers. To proceed, please press 1. To cancel, press 2. Thank you. आप देख सकते हैं कस्टमर के एक तरह से फ़ोन आया था, उसने बताया कि बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए एक नंबर दबाइए, मैं दबा दिया तो बनी बेनिफिशियरी जो है ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, लिखा हुआ है चेक माई बेनिफिशियरी लिस्ट। अब नीचे लिखा हुआ है उसके सेंड मनी टू, आपका जो बेनिफिशियरी ऐड उसका नाम यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे मैं पहले अपना बेनिफिशियरी चेक करता हूँ कि बेनिफिशियरी एक्टिवेट हुई कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा चेक माई बेनिफिशियरी लिस्ट के ऊपर, इस पर क्लिक करते ये देख सकते हैं फर्स्ट मेन की बेनिफिशियरी यहाँ पर आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं अप्रूवल भी हो चुकी है, यहाँ पे इनका नाम भी यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ट्रांसफ़र के ऊपर, ट्रांसफ़र लिखा हुआ है मनी, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ट्रांसफर मनी के ऊपर। इस पर जब क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है यहाँ पर ये अमाउंट। तो आपको यहाँ पर जितना पैसा भेजना चाहते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा 1480 डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं नीचे लिखाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इतना पैसा बनेगा, तो यहाँ पे 31,730 बनेगा। अब यहाँ पे नीचे लिखाएंगे तो यहाँ पर आप चाहे तो इसमें से भी पैसा कटा सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मुझे 1500 रियाल भेजना है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 1500 रियाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ट्रांसफ़र फीस है इसी में से कट जाए, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ दिखेगा इंक्लूड ट्रांसफ़र फीस, इसको ऑन कर देंगे तो आपके 1500 में से ही आपका जो है ट्रांसफ़र फीस कट जाएगा। तो मैं यही कर देता हूँ, यही मेरे लिए सही है। तो 1500 रियाल मुझे भेजना है, इतना इंडिया का बनेगा, और जो ट्रांसफ़र फीस है यहाँ से इसी में से 1500 में से माइनस हो जाएगा। इसके लिए बटन आपको ऑन करना होगा। अब नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, इसमें आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। और टिक लगाने के बाद में फिर आपको यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर नीचे जब आप ले जाएंगे यहाँ पे आपको दिखेगा कंटिन्यू, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सर्च ले रहा है इस तरीके से। जब ये सर्च हो जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सबसे फर्स्ट में आपको लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर समरी, नीचे लिखा रहेगा अमाउंट। तो यहाँ पे 1500 रियाल हम भेज रहे हैं, लिखा हुआ है सेलेक्ट अमाउंट बैंक। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 1520 रियाल इनके STC पे में यहाँ पे दिखा रहा है, और जिस नाम से पैसा भेज रहे हैं उनका यहाँ पे नाम यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे इनका जो इसका जो नेशनलिटी है वो दिखा रहा है, और इसका कलेक्शन पॉइंट यानी वेस्टर्न यूनियन कैश पिकअप दिखा रहा है, और जो आज का जो एक्सचेंज रेट चल रहा है यहाँ पे दिखा रहा है, और इनका जो ट्रांसफ़र फीस जो है यहाँ पे देख सकते हैं 14 यहाँ पे दिखा रहा है नीचे। ये टोटल अमाउंट ये है, अमाउंट इन रियाल में दिखा रहा है, और यहाँ पर टोटल अमाउंट ना मिलेगा उनको, और ट्रांसफ़र फीस यहाँ पे नीचे दिखा रहा है वेट, और यहाँ पे फीस यानी 17 रियाल इसका 17.5 रियाल इसका जो चार्ज लगेगा ट्रांसफ़र फीस का। अब यहाँ पे मैं सीधा कन्फर्म पे क्लिक करूँगा, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा डिक्लेरेशन दिखाएगा, तो आपको यहाँ पे सीधा आईग्री पे क्लिक कर देना है। आईग्री पे जब क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे सर्च हो रहा है। अब यहाँ पे आ चुका है वेरीफिकेशन कोड, अब यहाँ पे आ चुका है वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। तो हमारे पास में एक OTP कोड आएगा, और उस OTP कोड को यहाँ पे डालना होगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं OTP कोड का, यहाँ पे कोड आ चुका है, यहाँ पे मैं इस तरीके से कोड को यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। और कोड डालने के बाद में फिर से थोड़ा सर्च लेगा इस तरीके से, और सर्च लेते ही अभी मैं आपको दिखाता हूँ पैसा ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं, अभी आपको यह फाइनल मालूम पड़ जाएगा। तो ये देख सकते हैं पैसा ट्रांसफ़र यहाँ पर हो चुका है सक्सेसफुली।